नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है भीष्म शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा, आज मैं आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूं जिनके नायक हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क के बारे में आप सभी ने काफ़ी कुछ सुना होगा। वो दुनिया के पहले नंबर के अमीर व्यक्ति भी रह चुके हैं और अभी वो दूसरे नंबर के हैं, बट स्टिल उनकी जो नेटवर्थ अभी है वो 185 बिलियन डॉलर है, जो कि बहुत पैसे होते हैं। पर ये आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि इलॉन मस्क की इतनी बड़ी जो जर्नी है वो जब शुरू हुई थी तो बहुत ही रुकावटें आई थी उनके रास्ते में। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं उनकी अर्ली लाइफ से। 1992 में जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करके निकले, इससे पहले उन्होंने अपने बचपन में काफ़ी सारी चीज़ें झेली थी, उनके घर के अंदर भी और उनके घर के बाहर भी, जिससे कि उन्होंने किताबों को और पढ़ाई को अपना एक मेन हथियार बना लिया, जिससे कि वो आगे अपने फ्यूचर को पूरा का पूरा शेप कर। 92 के बाद उन्होंने एक कंपनी खोली अराउंड 95 में, जब उनका नाम रखा उन्होंने Zip2। वो उनकी एक अकेली एक ऐसी पहली कंपनी थी जिस समय पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी सीख रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। साथ साथ उन्होंने जो वेबसाइट डेवलप करी, वो वेबसाइट के बाद इस कंपनी को उन्होंने बेचा कुछ मिलियन डॉलर्स में। उसके बाद वहाँ से वो स्टार्ट हुए X.com जैसी एक कंपनी जो कि एकदम हमारे डिजिटल मनी के साथ डील करती है, उस कंपनी में। और धीरे धीरे उन्होंने पेपल बना दी। पेपल जैसी कंपनी जब उन्होंने बेची तो फाइनली ही हैज दिस बिलियन डॉलर अमाउंट इन हिज पॉकेट। उसके बाद इलॉन ने बहुत पढ़ाई करी, उन्होंने स्पेस एजुकेशन और स्पेस मिशन पे जाने की बातें की आफ्टर स्टडिंग सम मोर फिजिक्स। जब ऐसा उन्हें पॉसिबल लगा तो उन्होंने खोली अपनी दो कंपनीज SpaceX, टेस्ला, और रिसेंटली उन्होंने खोली है OpenAI, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी जिनका हाइपरलूप है। तो इलॉन मस्क इतनी सारी चीज़ों को अगर एक साथ संभाल पा रहे हैं और दिन में वो 14 से 15 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस इसके पीछे उनका जो मोटिवेशन है उसको जान के आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इतनी सारी चीज़ों में अपने आप को, अपनी पूरी जान डाल के, एनर्जी डाल के इतनी सारी चीज़ों को संभालना बहुत बड़ी बात है और इलॉन मस्क इस चीज़ को सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो बेसिकली उनसे जब पूछा गया कि आप क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेटेड रखती है, तो बेटा उनका जवाब था कि ये प्लेनेट आज से कुछ बिलियन ईयर्स बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स। सूरज का साइज बड़ा हो सकता है एंड मैनी मोर थिंग्स। तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं, यानी अगर वो स्पेशली इलॉन मस्क की बात करें तो वो चाहते हैं कि इस ह्यूमन रेस को और बाकी लिविंग स्पीशीज को इस अर्थ से उठा के दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट कर दे, ताकि कभी भी इस पूरे यूनिवर्स में से लाइफ खत्म ना हो जाए। तो ये इनका एक मोटिवेशन है जिसकी वजह से ही इज एक्चुअली वर्किंग हार्ड। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि यार बिना मोटिव के हम कुछ काम को नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको मोटिवेशन चाहिए आप अपने आप से लीजिए, और अपने आप से कैसे लेंगे वो मोटिवेशन, वो आएगी जब आप गोल बना लेंगे। एक गोल तय होना चाहिए, उसी के बाद ही हमारा एक रास्ता डिसाइड होता है जिस पे हम खुद चलते हैं, और हमें उस वक्त पे किसी और के द्वारा दी गई मोटिवेशन से फर्क नहीं पड़ता है। तो अपनी मोटिवेशन खुद ढूंढनी है हमें और अपना गोल तय करना है। चलिए, तो मैं फिर से आऊंगा और भी अच्छी कहानियों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।